சீதம்மா, நாம் சே ஹி ஜெய்சே ஹி நாம் லேதே ஹமே பஹோத் அச்சா லக்தா ஹை. சீதல், சாந்த், தண்டா. ठंडा तो बोलने में बहुत अच्छा लगता है, ठंडा चीज खाने में अच्छा लगता है, शीतल बोलने में अच्छा लगता है, परंतु हम बनते ऐसे किधर है? हम हमेशा गर्म ही रहते हैं, अंदर से तपते ही रहते हैं, हर बात पे हम तपते हैं, छोटे मोटे बात पे तपते हैं, क्रोध प्रकट करते हैं, डराते हैं दूसरों को, इसका नतीजा वही भोगेंगे। तो ये सब शायद के लिए अच्छा नहीं है, तबीयत के लिए अच्छा नहीं है। सीता माँ हमेशा शांत नाम के हिसाब से रहती थी। रामचंद्र जी का सुनो तो राम हमेशा शांत रहते थे। इतना कुछ उनके शादी के पश्चात जब वो जा रहे थे बारात लेकर अपना अयोध्या जा रहे थे जनकपुरी से, तब परशुराम ने उन्हें इतना बोला, उनके पिताजी को भी डांटा उसने। राम मुस्कुराते हुए सब कुछ अपने में ले लिया, बहुत मुस्कुराते हुए प्यार से कहा, लाओ दो, वो धनुष दो, मैं उसमें बाण चलाऊंगा, क्योंकि सीता राम के साथ थी। मैंने शीतल, तो ये नवरात्रा में हम सीता माँ के बारे में भी बात करेंगे। तो पुराणों में कहा गया है, देवी पुराण में भी है, और हमारे देश में ये फोक भी करते हैं, फोक ड्रामा, फोक डांसेस, तो उनमें भी सीता माँ का पूर्व जन्म के बारे में बोला गया है। आप लोगों को भी पता होगा, फिर भी इन नवरात्र के अवसर पर एक बार और सुन लो, पता भी होगा, सब कुछ मालूम होगा, रामायण ना हाँ मालूम है, महिषासुर मर्दिनी हाँ मालूम है, वो महिषासुर तो मेरे बाजू वाला था, सब मालूम है, फिर भी एक बार सुन लो, मेरे भी मुंह से मैं सुनाना चाहती हूँ और सुनना भी चाहती हूँ। तो ऐसा कहा जाता है पुराणों में, माँ सीता रावण से बदला लेने के लिए ही आई हुई थी दुनिया में, लक्ष्मी माँ विष्णु से बहुत बेहद प्यार करती थी। तो विष्णु अगर इंसान का रूप धारण करके अगर प्रपंच को उद्धार करने को आते हैं तो वो भी इंसान का रूप धारण करके आती थी। मैंने विष्णु पुराण से कहा था कल, बार बार जैसे विष्णु अवतार लेते हैं, लक्ष्मी भी उनके साथ अवतार लेती थी। तो माँ लक्ष्मी, अब राम अवतार आने वाला है तो उनको साथ देने के लिए, उनका धर्म कार्य में हाथ बटाने के लिए सोचती है। कुशध्वज महामुनि नाम के एक बहुत बड़े महामुनि थे, संत थे, वेदों का पूरा पूरा ज्ञानकारी उनको था, वेदों का वे रोज रोज अभ्यास करते थे और उच्चारण करते थे। एक बार पढ़ेंगे तो हम समझते हैं हमको आ गया है कई चीज, परंतु अभ्यास करना पड़ता है,
एक एक छोटा छोटा चीजों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है, अक्षर के ऊपर या तो मीनिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो वेदों को बार बार अभ्यास करेंगे तब ही उसका मतलब भी जानेंगे, कई मतलब उसमें से निकल कर आएगा। तो कुशध्वज महामुनि बैठकर रोज बड़े सवेरे में शुरू कर देते थे अभ्यास करने के लिए। तो एक बार वो वेदों का अभ्यास कर रहे थे और मंत्र उच्चर कर रहे थे तो उनके मुंह से एक छोटा सा बींग माने एक छोटा सा जंतु बाहर गिरा और देखते देखते उसे हाथ में उठाते उठाते क्या है मेरे मुंह से गिरा, देखते देखते वो बहुत नन्ही सी एक बच्ची बन गई। उसे गले लगाए मणिवर और कहा मेरी देव वेदवती मैं कितना भाग्यशाली हूं, पूरा वेदों का रूप है तू लक्ष्मी, तो उन्हें अपने घर में पालने लगे। वेदवती नाम से वो पलती है। वेदवती जैसे ही बड़ी होती है तो उनका रोज पूजा पाठ ध्यान वगैरह सब कुछ विष्णु के ऊपर ही करती थी, बहुत प्यार करती थी भगवान नारायण को। तो कुशध्वज ने इसे गौर किया और मन में ठान लिया कि अगर मैं कोई वर ढूंढूंगा इसके लिए तो वो भगवान महाविष्णु ही होगा, और कोई पुरुष इस लक्ष्मी के लिए इस वेदवती के लिए उत्तम है ही नहीं। अगर है तो महाविष्णु ही है, सब में खोट है सिर्फ उनमें खोट नहीं है। तो वेदवती को उन्होंने समझा के रखा था आपको आपका पति रूप में आपका भगवान ही मिलेगा। तो कई राजा महाराजा लोग जैसे ही ये कन्या बन गई तो इसका हाथ थामने के लिए आए, कई जगह से आए, परंतु मना कर दिया उनके पिता कुशध्वज ने। भाई गुस्सा तो आएगा सबको, इंसल्टिंग लगा किसी किसी को, कोई मिजाज में बोल रहा है ऐसे सोचा। एक पावरफुल राजा था, असुर कहते हैं उसे, महा असुर था वो। शंभू उसका नाम था। वो एक दिन अपना ठाट फाट लेकर वेदवती का हाथ मांगने के लिए आए। कुशध्वज ने बहुत ही नम्रता पूर्वक उन्हें कहा माफ कर दीजिएगा, मैंने संकल्प किया है मेरी पुत्री लक्ष्मी का अवतार है, वेदों से लिपटी हुई है, इसे मैं सिर्फ महाविष्णु के हाथ ही सौंप सकता हूं। बड़ा क्रोध आ गया, अरे मैं इतना बड़ा राजा, मेरे पास सब कुछ है, टाट फाट से मैं
हाथ मांगने आया है भिखारी, तुम तो भिखारी है क्या तुम्हें, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम आश्रम में रहते हो और ये हिम्मत तुम्हारी मुझे ना बोलते हो, तो अपना तलवार लेके उनका सर काट दिया। तो उनकी पत्नी भी उनके साथ ही जब उनको दफनाया तो आग में चली गई। वेदवती ने उस पापी को भी श्राप दे दिया कि तू मेरे आंखों के सामने मेरे माता पिता जैसे भस्म हो गए वैसे तुम भी हो जाएगा। तुरंत भस्म हो गया वो भी, फिर हिमालय के ओर चल पड़ी। वहां उन्होंने घोर तपस्या किया। हमारे अंदर एक रॉन्ग नोशन है, उपवास करेंगे, तपस्या करेंगे, पूजा इत्यादि करेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगा अगर खाना नहीं खाएंगे तो, या ज्यादा जागेंगे वो भी अच्छी नहीं है। ऐसे वैसे हमारे अंदर, और हम उस समय बहुत ही अपना सुंदरता सब गवा बैठते हैं, शरीर बहुत दुबला पतला हो जाता है, काला हो जाता है रंग, इसके लिए प्रसाद पहले ही बना के रखते हैं। हमारे पूर्वज ने प्रसाद के लिए इस वजह से बोला है, पहले ही प्रसाद बना के रख दो फिर पूजा पाठ करो, ताकि उम्मीद रहेगा जल्दी आरती के बाद मिल जाएगी। इधर द माइंड इट ऑलवेज क्रेव्स, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, दे दो, किस चीज, वो तड़पता ही रहता है। न चाहते हुए भी भोजन इत्यादि एक दिन नहीं करेंगे तब भी उसका मन उस उनको चाहिए। तो ऐसा मनोभाव है हम लोगों का। परंतु वेदवती जब तपस्या करने के लिए हिमालय गए, वहां पे उन्होंने पत्ता और पानी पी के तपस्या किया, ऐसे चमकती थी कि तेज का पूरा पुंज थी वो, इतना चमकती थी उस सारे प्रांत में, उसका जो प्रकाश था वो फैला हुआ था। उस समय रावण सब जगह में दिग्विजय करके उनका सैनिक के साथ में वहां से आए। अरे ये क्या है, ये प्रांत तो पूरा चमकता है, ये तो प्रकाश से भरा हुआ है क्या यहां पर। सोचते सोचते आगे बढ़ते हैं तो ज्यादा ही प्रकाश आती है। उन्होंने देखा एक चट्टान के ऊपर माता वेदवती बैठी है और ध्यान करती है, ध्यानावस्था में बैठी है। आहा क्या सुंदर था, लावण्य स्वरूपिणी थी वो, इतना लावण्य, इतना सुंदर, पूरा रोशनी से भरी हुई थी। रावण थोड़ा सा पास में जाकर देखा, ये शिला तो नहीं है, नहीं नहीं शिला नहीं है, ये अकेले कैसे इधर बैठ के तपस्या करती है, और ये उम्र है क्या तपस्या करने का, है कौन। तो रावण ने उन्हें पुकारा,
देवी आप है कौन और यहाँ कैसे बैठे हो? वेदवती ने आंखें खोला और रावण को देखा। जैसे आंख खोलकर रावण को देखा तो रावण और भी मोहित हो गया। तो रावण को कहने लगी, मैं वेदवती, मेरे पिताजी का नाम कुशध्वज और मेरा माँ और पिताजी को शंभो नाम का असुर राजा ने मार दिया क्योंकि वो मेरा हाथ थामने के लिए आया था, परंतु मेरे पिताजी ने और मैंने संकल्प लिया था कि दुनिया में जो परम पुरुष, जो पुराण पुरुष एक ही जो है महाविष्णु, उसका ही हाथ थामेगी मैं और वो मुझे उनको ही कन्यादान करके देंगे। उसका नतीजा उस राक्षस ने उन्हें मार दिया और मैंने उस राक्षस को जला दिया। परंतु रावण के कान में ये सब किधर गिरता है? रावण का कान में सिर्फ यही है कि वो एक सुंदर कन्या है और अकेली बैठी है, अभी उसे मैं लेकर चला जाऊंगा। तो उन्होंने, रावण ने कहा, नहीं ऐसे अकेली नहीं बैठो, ये कोई उम्र है तपस्या करने का और वो विष्णु मेरे सामने कुछ भी नहीं है, क्या है उसके पास? क्षीर सागर में सांप के ऊपर बैठा रहता है पूरा दिन, मेरे पास तो हीरे हैं, मोतियां हैं, हीरे मोती से जड़ा हुआ लंका है, सोने का लंका है, सोने का लंका, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरे पास कुबेर का पुष्प विमान है, इस पूरा दुनिया में मैं घूम सकता हूं उसे लेकर, मैं रावण हूं रावण। अब तक मुझे जीतने वाला दुनिया में आए नहीं है और आएंगे भी नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं करना, तुम वहां बहुत सुख रहेगी, सुखी से रहेगी मेरे लंका में, चल मेरे साथ। बहुत आसानी से बोल दिया। तो वेदवती ने ऐसा देखा और फिर आंखें बंद कर लिया। जैसे आंख बंद किया तो रावण, उनका केश ऐसा था तो केश को थोड़ा सा हाथ लगाने को गया, शायद लगा उसका हाथ और उन्हें ऐसा उठाया हाथ से। रावण को शॉक लगा, वेदवती उठ गई, वो बोली, नीच, तूने इतना हिम्मत की मुझे हाथ लगाने का, क्षण भर में मैं तुम्हें राख कर सकती हूं परंतु नहीं करूंगी क्योंकि मेरा तपस्या का शक्ति निकल जाएगा। अब यहां पर गौर करके देखो, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, ध्यान करेंगे, अभ्यास करेंगे, भक्त बनेंगे, एक क्षण क्रोध में सब खत्म हो जाता है। माता कहती है, मैंने इतना तपस्या किया, ऐसे किसे मैं अपना तपस्या का शक्ति बर्बाद कर दूं? इसलिए नहीं, तुझे नहीं, तुझे मैं फिर देख लूंगी, मैं खुद को भस्म कर डालूंगी। आप अपने को जला लेती है, राख बन जाती है। रावण देखते देखते वहां एक राख का छोटा सा ढेर पड़ा है, रावण कांप गया, रोने लगा, बाप रे इतना सुंदर मूर्ति, मेरे कारण, मेरा उंगली लगा उनके शरीर पर, इस वजह से ऐसा अनर्थ हो गया, फिर भी मेरे अंदर का जो ताप है उनके लिए वो नहीं गया, इस वजह से हाथ से वो राख को जुटाने लगा।
उनका आर्मी उधर खड़ी थी, किसी नौकर चाकर को या आर्मी को सिपाही को बोला नहीं, खुद ही सबको इकट्ठा करने लगा हाथों से। इकट्ठा करके उसे एक पोतला बांध के लंका लेकर आया और वहां उसने एक सोने का पेटी बनाई, डब्बा बनाया, सुंदर सोना और हीरा से घड़ा हुआ। नहीं, आजकल स्त्रियां अपना आभूषण सब रखने के लिए भी ऐसा रखते हैं ना, छोटा सा पेटी बनाकर। तो वो ऐसा बनाया और वो सारा राख उसमें डालकर उसे बंद करकर अपना आंगन में उसे गाड़ दिया। और रावण रोज जाकर थोड़ा देर वहां खड़ा होकर वेदवती का याद करता था। अब जब से वो राख का पेटी उधर दफनाई गई, तब से लंका में अपशकुन दिखाई पड़ने लगा। जितना दिन वो था उतना दिन वहां अपशकुन ही अपशकुन था। सब लोग डर से कांपते थे, हर इंसान सोचता था कल लंका गिर जाएगा, परसों भूकंप आ जाएगा, मेरा मौत मेरा सामने है। सभी लोग आके रावण को कहने लगे, ये क्या हो गया है, इतना दिन तो हमें सब आपका राक्षस वृत्ति के ऊपर या आपका राक्षसीय पर्सनालिटी के ऊपर बहुत विश्वास था, अब हम विश्वास गवा बैठे हैं, डर लग रहा है, डर लग रहा है। बहुत बहुत ही बुरा बुरा अपशकुन दिखाई पड़ने लगी। तो उनकी स्त्रियां, रावण की जो पत्नियां थी, डर गई। सभी लोगों ने आकर रावण को हाथ जोड़कर कहा, आपका सब हमने सुना है वेदवती के बारे में, आप उसको प्लीज वो उसको उठाकर आप कहीं पर फेंक दीजिएगा, नहीं तो लंका नाश हो जाएगी। सर, प्रॉपर्टी गवाने में या तो धन गवा लेने में, दौलत जाने में सबको बहुत डर लगता है ना, तो कुछ भी कर सकते हैं, अपना प्यार का भी कुर्बानी दे सकते हैं, अपना लक्ष्य को भी छोड़ सकते हैं। आफ्टर ऑल रावण तो एक राक्षसी तो था, तो उसने वो पेटी को उठाकर समुन्द्र में पटक दिया। अभी वो छोटा सा बक्सा, हाँ बक्सा 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 को उठाकर समुन्द्र में फेंक दिया। वो बॉक्स अभी समुन्द्र से जाने लगी और समुन्द्र उसको धक्का देके देके, अपना लहर से धक्का देके देके इंडिया में आ पहुंचा, लंका से हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में भी वो उत्तर प्रदेश में आकर पहुंच गया और वो प्रांत में कई दिन पड़ा रहा, समुन्द्र का जो भालू है उसके नीचे, बालू कहते हैं ना समुन्द्र का, बालू क्या बोलते हैं, रेत, उसके नीचे दफना गया और पड़ा रहा। थोड़ा कई साल पड़ा था, एक दिन कई चोरों ने उसे देख लिया, अरे सोना, सोने का पेटी, सोने का बॉक्स, इसके अंदर क्या क्या नहीं होगा, उसे उठाकर वो भागे। जब वो भागे तो जंगल में, एक जंगल में आकर उसे रखते हैं। उसे देख लिया राजा के सिपाहियों ने, तो उन्होंने क्या किया, उसे एक जंगल में छुपा के और भाग गए और कभी आकर हम उसे उठा के लेकर जाएंगे करके छुपा के रख दिया। कितना बड़ा खेल है, कितना बड़ा शक्ति है माँ का, उनका संकल्प तो वेस्ट नहीं जाएगा। तो वहां पे बाढ़ आ गई, नदी का, नदी बाजू में था उसका, बाढ़ आ गई तो वो बॉक्स और नदी के बाढ़ में लुढ़क लुढ़क कर सीधा जनक महाराजा के
देश में जाकर विदेश में जाकर पहुंच गए, विदेश में जाकर पहुंच गए। तो वहां पे उसी समय और पहुंच भी गया और उसके अंदर से राख निकल भी गया और मिट्टी के साथ मिल गया। और एक सुंदर सा लड़की के रूप में बन गया, वो एक आकार बन गया। और जनक महाराजा उसी खेत में वहीं पर एक बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए हल चलाने को आए। हल चलाते चलाते उन्होंने इस बच्ची को देखा, मट्टी पूरा मट्टी से भरी हुई थी, सिर्फ शक्ल दिखता था उसका छोटा सा, इतनी सुंदर। बालक को देखकर जनक महाराजा आकांक्षित हो गए और उन्हें उठाकर गोदी से लगाया, गोदी में रख लिया, गले से लगाया, साफ किया उसे, प्यार किया उसे। दिखते ही रह गए, सीता हंसती है, वो बच्ची हंसती है। हल चलाने के टाइम थोड़ा सा रोने का आवाज आया और फिर अब गोदी में उठा लिया तो हंसने लगी। उसे लेकर जाकर जनक महाराजा पालने लगे, उनको सीता करकर नाम दिया। सीता माने शीतल, बारिश गिराने वाली, भोजन देने वाली, पवित्र। फिर तो आपको सबको रामायण पता है, सीता को पालते पालते बड़ी हो गई, रामचंद्र जी विश्वामित्र महामुनि के साथ वहां आए, सीता को वर के रूप में पाए, जिसके लिए माँ लक्ष्मी धरती में आई थी वो उनका काम वहां राम से मिलने के बाद पूरा हो गया। अब अपना शक्ति पूरा राम को दे दिया और वो एक पतिव्रता के रूप में भगवान राम का सारा कहना मानती चली आती है। रावण उठा के लेकर गया, सीता इसके लिए ही आई थी, रावण से बदला लेने के लिए ही ठहरी थी। रावण को मारा राम ने, सीता को रावण के चुंगल से बचाया। फिर तभी भी राम ने उन्हें देखा नहीं, आंख उठाकर भी नहीं देखा। राम ने कहा मैं मर्यादा पुरुष हूं, पराया के घर में रह के आई है तुम एक साल, तो लोग क्या कहेंगे अगर मैं तुम्हें अपना लूंगा तो? इस वजह से तुम्हारा पवित्रता का कुछ सबूत दे दो मुझे। थोड़ा सा उधर माँ सीता ने राम को सुनाया और उसके बाद में आग के अंदर वो बैठी और चारों ओर आग जलाने के लिए कहा। शीतला देवी थी, सीता थी। जब हनुमान के पूंछ में आग लगाया तो हनुमान को ही कुछ नहीं हुआ, तो सीता के आशीर्वाद से उनको क्या होगा, माँ सीता को, देवी को कुछ नहीं हुआ। और भी चमकती हुई आग से निकल कर आती है, देवी देवता ये सब देख रहे थे। मनुष्य शरीर लेकर
देवी देवताओं को भी हर चीज के लिए अपना सबूत देना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, वचन पालन करना पड़ता है। वो ऐसे सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो राम ने कहा, ऐसे नहीं है कि मुझे सीता के ऊपर डाउट है। सीता, मेरे मन में ऐसे कुछ भी नहीं है देवी, परंतु लोगों को सबक सिखाना है। वो कह देंगे कि राम मोह के वश में आकर, कामना के वश में आकर सीता को देखा तो कुछ प्रश्न भी नहीं पूछा और उसे अपना लिया। अरे ऐसा कैसा हो सकता है क्या, बात चालू हो जाएगा। तो एक दूसरों से बात करते करते नाम बदनाम कर देंगे। राम डॉटलेस परमात्मा, पवित्र, परोपकार, शांत मूर्ति, शांति का पुजारी, दया सागर, वो ऐसे सीता को अग्नि प्रवेश करने के लिए कह नहीं सकते हैं, परंतु हम सबको एक उदाहरण देने के लिए, साधारण नहीं असाधारण बनो, असाधारण बनो, अपना कर्तव्य निभाओ। एक बार हाथ थाम लिया है सीता का, सीता को रावण उठा के लेके गया, तब राम ने नहीं कहा अरे गई चलो जान दो दूसरा शादी बना लेगा, सर नहीं बोलना, ढूंढ के लेके आए उसे, उसको पनिशमेंट दिया रावण, उनके ऊपर बुरा अंजाम नहीं लगाया, उनको हर वक्त संदेश भेजते ही गए, मैं हूं मैं हूं। रावण को संहार करने के द्वारा उन्होंने सभी प्राणियों को जो उनसे डरता था उन सबको डर से मुक्त दिला दिया। दुष्टता कितना दिन चलेगी। तो मैं हमेशा कहती हूँ हर सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमन है, लेडी है, एक स्त्री है। स्त्री शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए स्त्री को मर्यादा दो, भले वो बहन होए, लड़की होए, माँ होए, बीवी होए, एक मर्यादा शब्द, एक मीठा शब्द, उनका भी शांति से बात सुनो। मैं खाली पुरुषों को ये बात नहीं बताती हूँ, लेडीज को भी बताती हूँ। घर में बहू बेटियां या थोड़ा बुजुर्ग होंगे, शांति से सुनो, उनको दोष नहीं दो। खुद निर्दोष स्थापित करने के लिए दूसरी स्त्री को बीच में नहीं लाना चाहिए। सहन करना चाहिए हर चीज को, सहन करना ही, सहनशील ही एक बड़ा शील है, बड़ा शीलता है, पेशेंट, बड़ा तपस्या है, पेशेंट। यह माँ सीता और राम में से हमें सबक मिलता है, रामायण से सबक मिलता है। रामायण सुनने से, रामायण का कथा आयोजित करने से पुण्य नहीं मिलता है, परंतु फॉलो करने से, वैसे चलने से हमें अवश्य पुण्य मिलेगा।